हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन 11th क्लास फिजिक्स बेटा। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जी एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, हमने मैकेनिकल एनर्जी के टू टाइप्स के बारे में बात की। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में भी बात की है स्टूडेंट्स। तो सर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले बेटा, हमने कल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर ली है। काइनेटिक एनर्जी में मैंने आपको बताया बेटा, 1/2 mg² इफ ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। अगर कोई बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा, तो उसके साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है भाई? 1/2 mg² उसकी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है भाई। तो अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी? इट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन या पोजिशन बेटा, पोजिशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन और पोजिशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स बेटा। तो बेटा अगर कोई बॉडी अपने, देखो जैसे हम बात करें, ये बॉडी यहाँ पे है और बेटा अबाउट द अर्थ सरफेस। तो बेटा ये बॉडी क्या है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है भाई, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है ना। तो ये बॉडी देखो अपनी पोजिशन पे भी है, पर्टिकुलर एट हाइट एच पे है। तो बेटा और इन द फील्ड ऑफ फोर्स, या फोर्स क्या बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, ठीक है। तो ग्रेविटी के इफेक्ट में भी है। तो बेटा ये इस बॉडी के पास क्या है? इट पोसेस पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो भी बॉडी कन्फिग्रेशन में और पोजिशन की वजह से एनर्जी एसोसिएट करती है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है बेटा। बट वो फोर्स में रहती है, इन द फील्ड ऑफ फोर्स। देखते हैं बेटा, जैसे देखिए सिंपल सी बात करते हैं, आपको एग्जांपल से क्लियर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। ए बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग possess potential energy, has some potential energy। कहने का मतलब क्या बेटा, अगर कोई बॉडी किसी बिल्डिंग के रूफ पे रखी हुई है, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और इसकी ये रूफ है, तो यहाँ पे आए अगर, तो बेटा यहाँ पे अगर कोई बॉडी है, तो बेटा बॉडी क्या है, पर्टिकुलर हाइट पे है, तो उस बॉडी के पास क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। क्या पोटेंशियल एनर्जी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? अगर हम बॉडी को फॉल करते हैं, तो बॉडी क्या कर सकते हैं बेटा? अगर बॉडी को एच हाइट से फॉल करते हैं, तो बॉडी कैन डू वर्क, बॉडी वर्क कर सकती है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इस बॉडी के पास क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है। तो दिस बॉडी हैव पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द डैम, बेटा वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड इन द डैम, देखेंगे बेटा अभी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर टू ग्रेट हाइट इन डैम बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर कोई वोटर या वोटर है डैम के अंदर स्टोर कर दिया हमने बेटा कुछ पर्टिकुलर हाइट पर, तो बेटा उस वोटर के पास क्या है, इट पोसेस पोटेंशियल एनर्जी।
बिकॉज इट कैन डू वर्क। अगर बेटा देखा जाए किसी हाइट पर डैम बना दिया आपने, वहाँ पे आपने क्या किया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर दिया है, सॉरी या वाटर को स्टोर कर दिया है। तो बेटा वाटर क्या करता है, वाटर अब के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या करें डैम पे से वाटर को फॉल करेंगे तो बेटा ये कहाँ यूज होगा, इसकी एनर्जी कहाँ यूज होगी भाई, टू रन द टर्बाइंस। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, वर्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो डैम के अंदर वाटर स्टोर किया गया है एट पर्टिकुलर हाइट, तो बेटा इट पोसेस पोटेंशियल एनर्जी, इट पोसेस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अगर कोई भी बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट करके रखती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा भाई, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली देखा जाए तो बेटा थ्री टाइप्स की है। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बात करें अगर, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की है बेटा, थ्री टाइप्स की है। वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। तो यहाँ पे वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट सेपरेशन ऑफ द टू बॉडी व्हिच अट्रैक्ट वन अनदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा जब दो बॉडीज का मास की वजह से हम क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, दो बॉडीज है हैविंग मास m1 एंड m2, व्हेन वी सेपरेट बोथ बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेटा उस टाइम उसके पास किस टाइप की एनर्जी है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम सिंपल कह सकते हैं इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू बॉडी विच अट्रैक्ट वन अनदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए बेटा एम और एम को दोनों बॉडी क्या बेटा मास की वजह से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, बट हम क्या करते हैं दोनों को अगर सेपरेट करें अंगेज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेटा जो वर्क आपको करना पड़ेगा वही क्या उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सिमिलरली भाई नेक्स्ट वन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा इसके बारे में बात करें तो इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ द कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो बेटा देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका स्प्रिंग है भाई, इलास्टिक है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्रेस भी कर सकते हैं और इसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो बेटा जब हम किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसके साथ कोई एनर्जी एसोसिएटेड है भाई, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और लास्ट में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज द एनर्जी ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा देखा जाए आपके पास दो चार्जेज हैं, क्या वन एंड क्या टू, तो बेटा इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो अंगेस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इन दो चार्जेस को हम सेपरेट करते हैं तो उसके उस टाइम बेटा उनके पास कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा तो कितने टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, यहाँ पे मेरे थ्री टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो हमने बात कर ली है बेटा, ठीक है। अब वन बाय वन पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी बताया भैया आपको कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 और m2 बेटा, तो अंगेज द ग्रेविटेशनल फोर्स जब उनको हम सेपरेट करते हैं तो उस टाइम बेटा क्या है, वर्क डन करना पड़ रहा है, और वो वर्क नहीं क्या आएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो लेट अस कंसीडर बेटा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना बेटा m है और वेट कितना भाई उसका, फिर एम जी वेट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पहले डिफाइन करेंगे भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट by virtue of its position, by virtue of its position,
by virtue of its position above the surface of earth, above the surface of earth. तो बेटा कोई बॉडी जिसकी पोजिशन होती है बेटा अबाउट अर्थ ऑफ सरफेस, तो उसके साथ बेटा कोई एनर्जी एसोसिएटेड है, उसको बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी। तो देखते हैं बेटा, लेट्स से वन बॉडी हैविंग मास एम, वेट ऑफ द बॉडी का एम जी, ठीक है बेटा, और अर्थ पे रखी हुई है, ठीक है भाई। तो कंसीडर ए बॉडी मास एम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज ऑन द फिगर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप इस बॉडी को यहाँ से भाई फोर्स अप्लाई करके कुछ हाइट पर ले जाते हो, मान लीजिए आप बॉडी को कितने हाइट पर लेके चले गए बेटा, यू टेक द बॉडी एट हाइट एच, तो बेटा अपने आप तो बॉडी नहीं जाएगी, ग्रेविटी ग्रेविटी आप डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, वर्डर कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, आप वर्डर कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या करना पड़ रहा है आपको बेटा, वर्डर करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब लिखेंगे हम, वर्क डन इन मूविंग बॉडी एट हाइट एच अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या अगेंस्ट ग्रेविटी, बेटा कितना वर्डर करना पड़ रहा है सभी को पता है बेटा, वर्डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर तो यहाँ पे लिखिए बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा फोर्स कितना है, जितना बॉडी का वेट है उतना क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितने बेटा एच, तो बेटा वर्डन कितना आ गया एम जी एच। इसका मतलब क्या बेटा, आपको क्या करना पड़ रहा है बेटा, अंगेज द ग्रेविटी वर्डर करना पड़ रहा है, वो वर्डनिंग किसके फॉर्म में स्टोर होगा भाई, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बेटा क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे बेटा, दिस वर्डर अंगेज ग्रेविटी इज स्टोर्ड इन द ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए, एट द सरफेस ऑफ अर्थ वर्डन एट हाइट एच आपका निकल गया बेटा, एट हाइट एच पर वर्डन कितना आया बेटा एम जी एच, तो बेटा एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे देखा जाए हाइट कितना भाई जीरो, अगर तो बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ पे वर्डन कितना प्रेशर एनर्जी कितनी है बॉडी के पास जीरो, तो वर्डन कितना आएगा भाई एम जी इंटू जीरो, तो वर्डन आपको कितना बनेगा बेटा जीरो आएगा। तो अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस पे बात करे तो उसके पास कितना भाई प्रेशर एनर्जी जीरो है बेटा, ठीक है। तो ये बात आपने नोट करनी है बेटा, ठीक है। तो बेटा आज हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।